भिवंडी स्थित बंजार पट्टी नाका अंसारी रोड चौथा निजामपुरा में नई अंसारी व आरिफ मोमिन के यूनिक ऑटो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम का भव्य उद्घाटन भिवंडी पूरब के माजी आमदार सम्मानीय श्री रुपेश जी महात्रे के करकमलों द्वारा रिबन काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर वसीम मलिक, बिनेश अंसारी, सरजिल अंसारी, मोहम्मद सूफी अंसारी, मोहम्मद शाकिर अंसारी, माजी नगर सेवक लाला भाई, तारिक काजी, इकबाल सिद्दीकी, शिवसेना भारतीय कामगार संघटना भिवंडी शहर अध्यक्ष नजीर शब्बीर शेख उर्फ पप्पन, नजीर मंसूरी, शिवसेना मुस्लिम संघ भिवंडी शहर अध्यक्ष सलमान खान, अकरम मोमिन सहित भारी संख्या में दिग्गज मान्यवर उपस्थित थे। सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान नई अंसारी व आरिफ मोमिन द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, तो वहीं सभी मान्यवरों ने नई अंसारी व आरिफ मोमिन को शुभकामनाएं दी। और आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी पूरब के माजी आमदार सम्मानीय श्री रुपेश जी महात्रे ने नई अंसारी व आरिफ मोमिन को शुभकामनाएं देते हुए पत्रकार अर्णव गोसावी के गिरफ्तारी को लेकर सपोर्ट करने वाले भिवंडी शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर खिंचाई की। और भिवंडी पूरब के माजी आमदार सम्मानीय श्री रुपेश जी महात्रे के करकमलों द्वारा कई मोटरसाइकिल के ग्राहकों को चाबी भी दिया गया। यूनिक ऑटोमोबाइल्स और साथ में सर्विस सेंटर, साथ में यूनिक गैरेज, इस तरह से एक ही जगह पर सब सुविधा, ऐसे सुविधा युक्त शोरूम का उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है, ऐसे मैं जाहिर करता हूँ। इस उद्घाटन के समय हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ता, सभी नेतागण और जो हमारे खास करके नईम भाई अंसारी है और उनके सहयोगी, इनके माध्यम से ये शोरूम का निर्माण किया गया है और इनके माध्यम से ये शोरूम का आज मेरे हाथों उद्घाटन हो रहा है। मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि ये शोरूम अच्छी तरह से चले और यहाँ पर लोगों को सबसे अच्छी सुविधा मिले, लोगों को हर तरीके की सुविधा का एक ही जगह पर प्राप्त करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए भी उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसी तरह से भिवंडी छोड़ के और भी बहुत सारे जगह पर उनका शोरूम हो, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ। आपको सबके मालूमात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नाइक है एक वास्तु विशारद है और उन्होंने 2018 में सुसाइड किया और वो सुसाइड करते वक्त सुसाइड नोट में अर्णव गोसाई का नाम है, क्योंकि उनके कार्यालय का निर्माण उन्होंने किया था और उसका पेमेंट जो देना था वो पूरी तरह से ना देने की वजह से उन्होंने सुसाइड की, क्योंकि उनके जो कारीगर थे, उनके जो भी स्टाफ था, उनको पैसा देने में उनको दिक्कत आ रही थी और उसी कारण उन्होंने आत्महत्या की थी और वो सुसाइड नोट में अर्णव गोसावी का नाम था। तो ऐसे कोई भी आरोपी हो, उसको कानूनन जो भी पुलिस है, न्यायालय है, वो हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई होती है। रही बात पत्रकारिता की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, महाराष्ट्र के लोग हो चाहे केंद्र सरकार के लोग हो, सब पत्रकारिता का आदर करते हैं। लेकिन आप सबने देखा है जब सुशांत मर्डर केस में ये अर्णव गोसावी किस तरह की पत्रकारिता कर रहा था, उस वक्त आप सबने देखा है एक पत्रकार को वो भाषा लैंग्वेज जो है वो सूट नहीं कर दिया, शोभा नहीं देती, जैसे अपने हाथों की बाहें ऊपर करके ए उद्धव, ए संजय राउत, ए शरद पवार, इस तरह से जो बात कर रहा था, एक पत्रकार को ये लैंग्वेज शोभा देती नहीं। पत्रकारिता करनी चाहिए, जहाँ पर कोई चीज़ होती है, गलत चीज़ होती है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ पर किसी को न्याय नहीं मिलता, उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की थी, आप सब ने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी की सुपारी लेकर ये पत्रकारिता का ढोंग रचकर उस तरह से आर भारत में न्यूज चलाता था, किसी को सवाल पूछता था, उससे जवाब ना लेते हुए उसी को बार बार वो सवाल पर अड़ाता था या उसको बात करने नहीं देता था।
शायद ऐसी पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोकशाही का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो उन्होंने उस तरह का काम करना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, लेकिन जब खुद किसी को पैसा देने के ये नहीं रखते और उसके बाद अगर गुनाह दाखिल होता है, कल उसका रवैया वही था जब पुलिस उसको घर पे लेने गई थी, तब भी उसका रवैया वही था कि वो पुलिस के साथ एटीट्यूड से बात कर रहा था, पुलिस को मैं नहीं आता या आने में आनाकानी कर रहा था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की गरिमा कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, महाराष्ट्र पुलिस की गरिमा कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, या मुंबई पुलिस की गरिमा कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम पत्रकारिता का आदर करते हैं, पत्रकारिता लोगों के लिए। जिस वक्त महाराष्ट्र सदन में कायदा हुआ, वो कायदा बनाने में हमारा योगदान है, उस वक्त हम भी सदन में थे। पत्रकारों पर हमले नहीं होने चाहिए, पत्रकारों तक की सुरक्षा अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसके लिए भी कानून बनता है, लेकिन उनको कहीं गलत करने का भी मौका या गलत करने का ये नहीं देना चाहिए। इसके लिए आज जो ये अरेस्ट हुए कल, ये ज़रूरी थी, और ऐसे पत्रकार को या ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे प्रशासकीय अधिकारी हो, लेकिन अगर गलत तरीके से कुछ करता है तो उसको कानूनी तौर पे जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा आज महाराष्ट्र पुलिस ने दी है। हमको महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का आदर है। अर्णव गोसावी के अरेस्ट पर जो बीजेपी ने भिवंडी शहर में, खास करके मैं भिवंडी शहर का उल्लेख यहाँ पर करूँगा, बाकी जगह क्या किया उससे उस पर बात करने के बजाय, मैं भिवंडी में बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर निषेध व्यक्त किया या तो धरने पे बैठने की कोशिश की। कल मैंने सुना कुछ लोगों का स्टेटमेंट ऐसा है कि शिवसेना जो है बाला साहब की शिवसेना नहीं रही, शिवसेना सोनिया गांधी की सेना हो गई, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो जिनके नेतृत्व में ये निषेध किया या मोर्चा निकालने की कोशिश की, धरना देने की कोशिश की, पहले तो वो नेतृत्व उनका कौन है? आपके मालूम के लिए बताना चाहूँगा कि संतोष शेट्टी के नेतृत्व में इन्होंने प्रदर्शन किया। वो संतोष शेट्टी विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस का प्रत्याशी था। ऐसे लोग, उनके नेतृत्व में जो लोग कल बात कर रहे थे, उन लोगों ने उस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव में मदद की या कांग्रेस को वोट दिए। आज वो बोल रहे कि सोनिया सेना, उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं था कि कांग्रेस को वोट देते थे समय सोनिया गांधी को वोट दे रहे या कांग्रेस को वोट दे रहे? इनको नैतिक अधिकारी नहीं है। इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भिवंडी में आप लोग कॉरपोरेशन में, आज भी कॉरपोरेशन में मेयर जो है कोणार्क आघाड़ी की मेयर प्रतिभा पाटिल है, लेकिन डिप्टी मेयर जो है आज भी कांग्रेस का है, और ये सभी नगर सेवक उनके साथ है। भिवंडी में सत्ता में कांग्रेस के साथ होने के बाद वो बोलते हैं सेना पर आरोप करते हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको ना सेना पर आरोप करने का नैतिक अधिकार है और ना ही कांग्रेस पर आरोप करने का नैतिक अधिकार है, क्योंकि जो कांग्रेस के ऊपर बोलना चाहते हैं उन्होंने पिछले विधानसभा में कांग्रेस का काम किया है, और बीजेपी पार्टी जो है ये अर्णव के लिए क्यों रास्ते पे उतर रहे समझ में नहीं आ रहा है। क्या अर्णव पत्रकार नहीं था? अर्णव बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या बीजेपी का कोई नेता जिसके लिए ये लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, जिसके लिए ये लोग रास्ते पे उतरे हैं? मैं तो कहूँगा कि इनको कोई काम बचा नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं, भिवंडी महापालिका में बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों के सुविधा के लिए लड़ो, लोगों के अच्छे काम के लिए आपको आगे आकर लड़ना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये वो मुद्दों पे लड़ना नहीं चाहते या वो मुद्दों पे आना नहीं चाहते, इनको खाली राजनीति करनी है, और ये राजनीति नहीं तो ये खाली नौटंकी करना जानते हैं, ये मेरा आरोप है।